नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे बेहतर पुलिसिंग का दावा करते हुए भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन बिहार में रोज पुलिस का नया कारनामा सामने आता है जिससे विभाग की किरकिरी होती है। ताजा मामला बिहार के बगहा से है। यहां एक ASI वाहन जांच के नाम पर रिश्वत की वसूली कर रहे हैं। रिश्वत की वसूली करते इस ASI का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। उसके बाद जो पीड़ित पक्ष हैं वो इस वीडियो को जारी करते हैं सोशल मीडिया पर और न्याय की गुहार लगाते हैं। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद बगहा के SP राजीव रंजन इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा देते हैं। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं ये वीडियो। गाड़ी जांच के नाम पर बिहार पुलिस अवैध उगाही में जुटी है। इस धंधे में सिपाही से लेकर ASI तक लगे हुए हैं। बगहा में भी एक ASI का वसूली करते हुए वीडियो सामने आया है, जिसके बाद SP ने जांच का आदेश दे दिया है। बताया जा रहा है कि बतवरिया थाना के एक ASI वाहन जांच के नाम पर रिश्वत ले रहा था, लेकिन यह हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। कागजात के नाम पर ASI राकेश सिंह ने 10,000 रुपये का डिमांड किया, लेकिन 2,000 रुपये पर मामला सेट हो गया। पीड़ित शख्स ने बताया कि 1,500 रुपये तत्काल उसके पास थे जो उसने ASI को दे दिए। बाकी 500 रुपया लेने के लिए ASI उसके दुकान पर पहुंच गया। इस दौरान पैसा लेते हुए ASI का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया। यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बगहा के SP राजीव रंजन ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि वाहन जांच के नाम पर बिहार पुलिस का वसूली का खेल लगातार जारी है। तो आपने देखा इस खबर में कि किस तरह से ASI रिश्वत की वसूली कर रहे हैं। ऐसे पुलिस पदाधिकारियों के कारण पुलिस विभाग की किरकिरी होती है, बदनामी होती है और लोग इनका मजाक बना लेते हैं। हालांकि बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे लगातार बेहतर पुलिसिंग और अधिकारियों को पब्लिक के साथ पुलिस पब्लिक फ्रेंडली रवैया अपनाने की बात कहते हैं और बिहार में बेहतर पुलिसिंग का दावा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी के कारण पुलिस विभाग की लगातार किरकिरी होती है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज। और अगर आप हमारे इस न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।